आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे संजय जी, राफेल को लेकर एक बार फिर से मामला गड़बड़ा रहा है और राफेल पर बीजेपी को अब जवाब देते नहीं बन रहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ नहीं खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने गलत जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने झूठ बोला है और पीएसी के नाम पर झूठ बोला है, सीएजी के नाम पर झूठ बोला है। क्या कहा है पैरा 25 के अंदर, जो आदेश है उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ तौर पे कहा है कि राफेल की ऑडिट सीएजी ने कर ली, सीएजी की वो रिपोर्ट पीएसी में सबमिट हो गई और पीएसी ने उसकी जांच कर ली, एग्जामिन्ड बाय द पीएसी। इसका मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट तो यही लिखेगा ना कि जब सीएजी ने ऑडिट कर लिया, पीएसी ने जांच कर लिया, फिर हम ये कीमत के मामले में नहीं पड़ेंगे, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कीमत में ही सारा घपला है, 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में खरीदा गया, 78 साल पुरानी कंपनी को दरकिनार करके 12 दिन पुरानी कंपनी को, अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका दिया गया। पैरा 32 में आप पढ़िए आदेश में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं अंबानी की पेरेंट कंपनी के साथ 2012 से बातचीत चल रही थी डेजॉल्ट की। अब 2012 में तो मुकेश अंबानी कंपनी के साथ बातचीत चल रही थी, ये अनिल अंबानी कंपनी तो 12 दिन पहले बनी है, डील के अनाउंसमेंट के 12 दिन पहले ये कंपनी बनी है, तो ये भी दूसरा झूठ है। तीसरा झूठ पैरा 25 के ही आगे हिस्से में लिखते हैं कि एयर चीफ मार्शल ने कम्युनिकेट किया है कि डिस्क्लोज ना किया जाए प्राइसिंग, क्योंकि इससे हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी। तो ऐसा एयर चीफ मार्शल ने कब कहा, हम याचिका करता है, हमें नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता। तो कुल मिलाकर तीन बड़े झूठ सरकार ने बोला है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का संज्ञान लेते हुए उन लोगों को जेल भेजना चाहिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। अब आगे की आपकी क्या रणनीति है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? हम लोग इसमें रिव्यू पिटीशन भी फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरा पार्लियामेंट में मैंने सदन की अवमानना का मामला उठाया है, राज्यसभा के सभापति महोदय को मैंने चिट्ठी लिखी है, प्रिविलेज मोशन में जाएंगे हम लोग पार्लियामेंट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे रिव्यू पिटीशन में। पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे अभी बीजेपी के लिए बड़े अच्छे नहीं रहे हैं, और एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जो बहुजन समाजवादी पार्टी, खड़ी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है 2019 के लिए? देखिए, मैं उसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो तीन राज्यों के ये परिणाम आए हैं, इसमें पांच राज्यों के जो परिणाम थे उसमें तीन राज्यों में जो भाजपा का सफाया हुआ है, इससे बहुत साफ संकेत है कि 2019 में भाजपा मुक्त भारत बनने जा रहा है। और जिस तरह से ये लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, गाय के नाम पे इंसान का कत्ल करने का काम कर रहे हैं, कहीं मंदिर तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं मंदिर के नाम पे लोगों को मारने पीटने का काम कर रहे हैं, तो इनका सच देश की जनता के सामने आ रहा है, और जनता को ये समझ में आ रहा है कि जुमलों से पेट भरने वाला नहीं है, राम के नाम पर नहीं, काम के नाम पर वोट मिले। मतलब आप महागठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं? अभी मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कुछ लोग इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति को रोकने के लिए एकजुट हो रहे हैं तो वो अच्छी पहल है। एक आखिरी, निश्चित है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी वाराणसी में पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है और आज धरना भी चल रहा है, और संजय सिंह का कहना है राफेल के मामले में तमाम झूठ बोले गए बीजेपी की तरफ से, आगे की क्या रणनीति होगी वो बाद में डिसाइड होगा। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।